सर बागपत आना आज कैसे आ? अयोध्या में भव्य राम मंदिर 496 वर्षों के बाद बन गया। यह बनाने में 8 लाख से ज्यादा कार सेवक बिना निमंत्रण लाठी गोली खाने के लिए अयोध्या आए थे और 8 करोड़ रुपया ने मंदिर बनाने के लिए 1.25 रुपया दिया था, उनके 1.25 रुपया से बने पत्थरों से मंदिर बना है। तो ऐसे कार सेवकों को धन्यवाद देना, उनको एकादा स्मृति पत्र पुरस्कार पत्र देना और लोगों को मिलकर अब राम मंदिर के बाद देश के हिंदुओं की समृद्धि बढ़े ऐसी योजना खड़ी करवाते जाना। सर अयोध्या का तो युद्ध जीत लिया है, बड़ी जीत हुई है, आगे की क्या तैयारी है? हम जीतने के लिए ही पैदा हुए हैं, आगे भी जीतने वाले हैं और किसी के मन में भ्रम है कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, वह याद रखे कि मुगल सल्तनत को मिट्टी में हमने ही मिला दिया था। अब आगे की क्या तैयारी है सर? आगे की प्रत्येक हिंदू सुखी हो समृद्ध हो, अर्थात गरीबों को अनाज, मुफ्त में प्राइवेट का डॉक्टर, एडवोकेट, रोजगार, बच्चों की टैलेंट बढ़ाकर थर्ड ग्रेड में आने वाला बच्चा फर्स्ट ग्रेड में आए ऐसी बच्चों की ट्रेनिंग, ऐसे हिंदुओं के विकास के, इसलिए मैंने कहा डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर DDO होता है, हमने हमारा HDO हनुमान चालीसा डेवलपमेंट केंद्र इसके लिए शुरू किया है। सर अब तक कितने केंद्र खोले जा चुके हैं और इस एरिया में करीब हमारा लक्ष्य 1 साल में 1.25 लाख गांवों तक यह केंद्र शुरू करके हिंदुओं के कल्याण के लिए काम करने का प्रयास है। सर किस तरीके से काम करेंगे सर ये केंद्र? गरीबों को अन्न देंगे, गरीबों को प्राइवेट का डॉक्टर देंगे, एडवोकेट देंगे, पूरे देश में कहीं पर भी मदद करेंगे, रोजगार में सहयोग करेंगे। मथुरा और काशी के बारे में क्या कहेंगे सर? बस मेरे कान में अब डमरू की आवाज भी सुनाई देती है और सपने में सुदर्शन चक्र भी दिखाई देता है। सर आपने बात की, आपने वेद भी पढ़े हैं, कुरान भी पढ़े हैं, क्या कुछ अंतर है सर दोनों के? आज मैं नहीं समझाऊंगा, मैं अंतर मेरे भुजाओं के बल पर समझाते जा रहा हूं। हिंदुओं के लिए क्या संदेश देंगे? हिंदुओं उठो, जागो, पैसे कमाकर सुखी बनो, सुखी बनकर धर्म का भी काम करो। अपने आसपास की खबर देखने के लिए चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी करें।